कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ये मैं आपको जब नोट्स दूंगा तब लिख दूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू ऑन द लाइन क्या होगा, देखो x यहां से फाइंड आउट करो, माइनस टू आर वन प्लस फोर, यहां से सिक्स आर वन और यहां से क्या होगा माइनस थ्री आर वन प्लस वन, समझ गए ना, पिछले वीडियो देखना अगर समझ में ना आए तो। कहने का मतलब है ये ऐसे है x माइनस फोर अपॉन माइनस टू इक्वल टू आर वन, तो ये क्या हुआ x माइनस फोर माइनस टू आर वन, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस टू आर वन प्लस का फोर, ये यू है। ऐसे ही y माइनस जीरो अपॉन सिक्स इक्वल टू आर वन, ऐसे ही जेड माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू आर वन, ऐसे रखना, उससे आपको किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड पता लग जाएंगे q के। अब आपने q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, लिख भी दिया है वैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q ऑन द लाइन दिस वन ऑन द लाइन विल बी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, dr ऑफ pq विल बी क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो आपने ऐसा लिखा है, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको सोल्व किया, आपके पास ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई ना सोल्व करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा है, dr's of given line will be, dr's given line में क्या है देखो माइनस टू सिक्स और माइनस थ्री, आप ये नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि आपने यहां पे इसको सोल्व करके लिखा है और सोल्व करके लिखा है वो आपके लिए ज्यादा वैलिड है, तो ये आपने क्या कर दिए dr's कर दिए, और हमको पता है pq is perpendicular to given line, तो क्या होगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, है ना। अब उसके बाद आप देखो इसको a1 बोल दो, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2, अब ये वैल्यूज को रखो, देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी सा रही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया r1 की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 49, ठीक है ना। कहने का मतलब समझना, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो लाइन दी है उसको मैंने अच्छे फॉर्मेट में लिख लिया, कंप्लीट है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस पॉइंट p से इस लाइन पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, p के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मुझे कोऑर्डिनेट किसके नहीं पता, क्योंकि क्योंकि कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैंने लाइन के इक्वल में क्या बोला है r1, r1 किया, तो यहां से मुझे x y z के वैल्यूज मिल गए, और वही किसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो q के कोऑर्डिनेट होंगे। आपने q के कोऑर्डिनेट लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q ऑन द लाइन विल बी दिस वन, कंप्लीट है। उसके बाद देखो dr ऑफ pq विल बी dr ऑफ pq और dr ऑफ लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आपने ये क्या dr ऑफ pq कैसे फाइंड आउट करते हो, भाई आपके पास दो पॉइंट है, एक ये रहा एक ये रहा, और ये मान लो ab है, तो आप ab के dr कैसे फाइंड आउट करते हो, लिखा है मैंने आपको 14.1 के अंदर x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1, वहां से आपने किया ये आ गया, ऐसे dr ऑफ given line ये रही, अब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो आपने क्या सूत्र लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, सॉल्व किया, r1 की वैल्यू क्या आ गई 13/49, आप इतना एक बार नोट कर सकते हैं। देखिए आपने ये r1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी 13/49, अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये पॉइंट, ठीक है ना। जैसे एक बार बताओ मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, जो जिस जगह मैं खड़ा हूं, मतलब ये जो फर्श है और जो मेरे बॉडी का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वो ही क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। जैसे आप ये लाइन खींचो और इस पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आर वन क्या लिखा है हमने, वैल्यू ऑफ आर वन पुट इन कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक है, और वो कोई क्या है आपका माइनस टू आर वन प्लस फोर सिक्स आर वन माइनस थ्री आर वन प्लस वन, इस आर वन को आप इसमें रखोगे, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, चलो माइनस टू आर वन प्लस फोर सिक्स आर वन माइनस थ्री आर वन प्लस वन। देखो अब आप अपने से लिखोगे ये आर वन की वैल्यू, इसमें आपको भी पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैंने ऐसा करना ज्यादा बेस्ट समझा, ठीक है। इस आर वन को कहां रखोगे, यहां रखो माइनस टू इंटू 13/49 प्लस फोर सिक्स 13/49, ऐसे इसमें रखो, ये आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है। पी आपके पास ये है ही, और क्यू आपके पास क्या आया है 170/49,
और उसके बाद क्या है 78 अपॉन 49 और 10 अपॉन 49। अब आप क्या लगा सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पीक्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। सोल्व किया ये आंसर आ गया, और इसी के साथ आपका ये 14.4 फिनिश हो गया है। अब एक 14.5 बचा है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, वो आपको नेक्स्ट क्लास से मिलेगा। आज के लिए इतना ही।